हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं उबर ऑफ कैंपस रिक्वायरमेंट ड्राइव के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा और इसी तरह के जॉब अपडेट पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियोस को तुरंत पाने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर दीजिएगा और लाइक करके फ्रेंड्स का शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें तो ये कंपनी जो यूबर आप लोगों को सबको पता ही होगा, इस पर पोजिशन जो आपको देखने को मिलेगी वो है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, आप इसमें कोई भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं। आपकी लोकेशन आपके हैदराबाद को यहाँ देखने को मिल जाती है। पास आउट की बात करें तो 18 भी अप्लाई कर सकते हैं, 19, 20, 20 एंड 21 भी अप्लाई कर सकते हैं। पैकेज भी आपको देखने को अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाता है। आगे बात करें तो यहाँ पर आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कोडिंग एबिलिटी की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, यू हैव टू एडवांस नॉलेज ऑफ एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ उप्स पैटर्न। यू हैव टू यूज प्रोग्रामिंग टूल्स वर्जन कंट्रोल लाइक गिट। आपको नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, लाइक जो गिटहब होते हैं नाम से हम लोग प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं तो उसको नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी हैव ए कपल ऑफ फुल स्टैक प्रोजेक्ट अंडर यू बेल्ट। मतलब अगर आपने कुछ अच्छे से प्रोजेक्ट बनाकर रखा हुआ है फुल स्टैक के ऊपर में, अगर आपने नहीं बनाकर रखा हुआ तो आपको नेट में बहुत सारा मिल जाएगा, आप लोग ऊपर गो थ्रू जरूर हो जाइएगा। फास्ट लर्नर, ठीक है, ऑनरशिप डिजाइन एंड बिजनेस इनसाइट्स। ठीक है, तो आपको सकते हैं एक्टिवली परसुइंग बीटेक और इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री एंड एंटीपेसिटेड ग्रेजुएशन 2021 इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और मैथमेटिकल साइंस। आप किसी ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, ओनली फॉर द ट्रिपल आईटीज ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो आप लोग इसमें हाँ उन लोगों के लिए स्पेशल हो सकता है कि नहीं चलो ठीक है ट्रिपल आईटी के लिए लिखा हुआ है, ट्रिपल आईटी को हायर करके अगर आपके पास कैपेबिलिटी है ट्रिप आईटी के लाइक देखो कोडिंग में क्या होता है ना, बेसिकली आपका नॉलेज देखा जाता है ना कि आपका कॉलेज। अगर आपका नॉलेज है तो आपको आप कहीं भी जा सकते हो। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट हाँ एक बार अगर आपको नॉलेज हो गया तो आप कर लोगे। मेरा मैं भी थर्ड ईयर कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। जब मैंने अपना गूगल का इंटरव्यू दिया था तब भी मुझे नहीं लगा था कि मैं मेरा कभी वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है कि आप लोग का इस कॉलेज से बिलोंग करते हो तो आपका नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूँ गूगल का, जो मैंने अपना इंटरव्यू दिया था ऑनलाइन में। ठीक है, तो मैं भी बताऊँगा उसका लेकर, लेकिन अभी नहीं, अभी आप लोग बस एक बार देख लीजिए। जब आप लोग को मोटिवेट करने के लिए वीडियो मैं जरूर बनाऊँगा। ठीक है, आप लोग ये मत सोचो कि यार कि ठीक है ट्रिपल आई टी लिखा हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोगों को नॉलेज गो पाइथन रूबी का नॉलेज आपको देखने को मिल जाता है, आपको होना चाहिए नॉलेज सब। ठीक है, अप्लाई करने सिंपल आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने नया पेज खुल, आप यहाँ पर दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं साइन इन अप्लाई विथ लिंक्डइन, और मैं प्रीफर करूँगा अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छा खासा बना हुआ है तो मैं प्रीफर करूँगा आप लिंक्डइन से ही अप्लाई करें। ठीक है, एक बार आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को भी प्रीफर कर सकते हैं, ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। ठीक है, तो आप लोग अगर प्रोफाइल अगर अच्छे से आप लोग क्रिएट किए हुए हैं, मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा सेपरेट इसके ऊपर में कि किस तरह से आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं, लाइक फोटो डालना, क्या क्या लिखना है आपको, तो वो सब मैं आपको डिटेल्स में जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका लिंक्डइन उतना अच्छा नहीं है तो आप लोग सिंपल जैसे हैव एन एक्जिस्टिंग अकाउंट साइन इन अप्लाई विथ योर रिज्यूमे से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिज्यूमे है तो यहाँ से कर लीजिएगा, नहीं तो साइन इन करके भी अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे करेंगे आप करेंगे आप ईमेल आईडी साइन इन करना पड़ेगा, अगर आप नहीं है तो यहाँ देख सकते हैं डोनेट अप्लाई थ्रू दिस साइट। ठीक है, अपने ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग मैनुअली ही कीजिएगा। ठीक है, रिज्यूमे से, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को हेल्प जरूर करूँगा। मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत।